हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज YouTube की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। वो अपडेट क्या है? अपडेट ये है दोस्तों, जो वो चैनल में आप लोगों को एक सेटिंग करना पड़ेगा। अगर वो चैनल में सेटिंग नहीं करते हो आप लोग, तो आप लोगों का चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो किस तरह की अपडेट निकल के आया दोस्तों, वही आज आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बिना देर किए हम बताते हैं आप लोगों को। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं क्या है अपडेट। तो अपडेट ये है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जैसे शाहरुख खान फैंस क्लब के नाम से यूट्यूब चैनल चलते हैं। शाहरुख खान फैंस, शाहरुख खान मतलब बहुत चीज जैसे होता है। आप लोग बड़े बड़े स्टार की देखे होंगे, जैसे अभी खान सर है, खान सर ऑफिशियल हो जाता है, खान सर ये जैसे हो जाता है फैंस क्लब, खान सर फैंस हो जाता है। इस तरह से चैनल यूट्यूब पे बना के लोग, जो जितने भी लोग रख रखे हैं, वो सभी का चैनल डिलीट होने वाला है। उसका टाइम दिया हुआ है यूट्यूब ने 21 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, 21 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो 21 अगस्त तक अगर आप लोगों को ये सेटिंग नहीं करोगे तो आप लोगों का चैनल परमानेंटली डिलीट कर देगा। तो सेटिंग क्या करना है दोस्तों, कम से कम आप लोग जैसे अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी लिख के रखते हो अबाउट सेक्शन में, जो अनऑफिशियल लिख के रखते हैं, तो एक जगह लिखने से होगा क्या दोस्तों, आप लोगों का चैनल डिलीट हो सकता है। तो अब आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से अपडेट आया है, जो आप लोगों को हैंडल नाम जो होता है, कम से कम हैंडल में अनऑफिशियल लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हैंडल नाम में आप लोग अनऑफिशियल लिख देते हो तो आप लोगों का चैनल बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते हो आप लोग, तो जैसे शाहरुख खान फैंस लिख करके ही रखेंगे आप लोग, तो हैंडल नाम भी लिए होंगे, तो आप लोगों का चैनल परमानेंटली डिलीट कर देंगे यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट था। इससे आप लोगों को बचना है तो आप लोग कम से कम हैंडल में अनऑफिशियल नाम लिख सकते हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे शाहरुख खान लिख रखे आपने, तो शाहरुख खान अनऑफिशियल लिख देना। जैसे आप लोग और भी बड़े स्टार जैसे है, सलमान खान है, सलमान खान फैंस, तो सलमान खान फैंस अनऑफिशियल लिख देना आप लोग। मतलब कोई भी चीज है, तो जैसे खान सर है, तो खान सर है, तो खान सर के आगे भी आप लोगों को हैंडल नाम में लिख देना है। चैनल का नाम बेशक आप लोग खान सर ही रहने देना, लेकिन हैंडल नाम में खान सर अनऑफिशियल लिख देना। जो अगर आप लोग अनऑफिशियल हो, तो अगर सही में आप लोग शाहरुख खान के फैंस के द्वारा मतलब चलाते हो ये चैनल, शाहरुख खान से एग्री लेकर के मतलब, तो फिर तो आप लोगों को डरने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग जैसे हो जाते हैं, जो जिसका भी चैनल है, जो उससे परमिशन लेकर के आप वो चैनल चला रहे हो उसका, तो वो अलग बात है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल तो होता ही है जो फैंस के नाम से बनते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोग कितने 2, 4, 10 जैसे 20 चैनल देखने को मिल जाता है उसके नाम से, अगर वो उसका देख रेख नहीं करते हैं शाहरुख खान, तो वो चैनल आप लोगों को जो अपनी मर्जी से बनाए हो, तो वो चैनल पे आप लोगों को ये हैंडल नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट यही था। अब दूसरा अपडेट और निकल के आया एक दोस्तों, जैसे आप लोग थंबनेल है, तो तीन थंबनेल लगेगा आप लोगों के यूट्यूब पे वीडियो पे। और वो वीडियो में अगर जो भी थंबनेल ज्यादा रैंक करेगा आप लोगों का, यूट्यूब को लगेगा जो हाँ ये थंबनेल ज्यादा रैंक कर रहा है, तो वो यूट्यूब आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देगा जो ये थंबनेल आपका ज्यादा रैंक कर रहा है, तो ये वाले थंबनेल रहने दो, बाकी आप डिलीट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी रिमूव हो जाएगा, जो मेन थंबनेल रहेगा वही वाले थंबनेल आप लोगों के वीडियो पे बच जाएगा। तो देखते लिए तो तीन थंबनेल बनाना पॉसिबल है। अगर जैसे हम लोग रोज बाय रोज वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रोज की तीन थंबनेल बना करके वीडियो पे अपलोड करेंगे तो वो बहुत समय लग जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम खुद से थंबनेल बनाते हैं, तो एक थंबनेल बनाने में 10-20 मिनट से ज्यादा ही टाइम लग जाता है, घंटों का टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो इसलिए तीन थंबनेल बनाने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम लोग के लिए तो ठीक नहीं है। जैसे जो फिल्म का है, जैसे कोई गाने का है, मतलब महीने में 2-4 ही वीडियो डालते हैं, तो उसको थंबनेल बनाने में आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, जो कॉमेडी का वीडियो लाता है, हफ्ते में एक दिन लाता है, वो तीन तीन थंबनेल लगा सकते हैं बना के, उनके लिए फायदा है। ठीक है दोस्तों, दो अपडेट। तीसरा अपडेट ये है दोस्तों, जो आप लोग बैनर जो लगाते हो, जैसे यूट्यूब चैनल पे बैनर लगाते हैं, तो बैनर पे भी आप लोगों को तीन थंबनेल लगाने का, मतलब तीन बैनर लगाने का आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा। जैसे उस बैनर में आप लोगों को एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा दोस्तों, जो आप लोग उस बैनर में वीडियो भी लगा सकते हैं। पहले होता क्या था दोस्तों, जो हम लोग बैनर में सिर्फ और सिर्फ बैनर ही लगा पाते थे चैनल पे। ठीक है दोस्तों, जो फोटो होता है,
तो फोटो ही लगा पाते थे। अब है क्या जो आप 10 सेकंड की 5 सेकंड की जैसे हो जाता है, इस तरह के आप लोग वीडियो भी लगा सकते हैं बैनर में, ठीक है। तो वीडियो में आप लोगों का वीडियो देखने के बाद जैसे ही आपका चैनल ओपन होगा तो वीडियो लगे रहेगा, तो वीडियो चलने लग जाएगा। अगर फोटो ही लगा रहेगा तो स्लाइड होके फोटो दिखता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों का चैनल पे बैनर लगेगा। अब तो इससे होगा क्या दोस्तों, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आप लोगों के चैनल पे लोग जो भी लोग आएंगे उनको देखने में अच्छा लगेगा। आप लोगों के अगर वीडियो सेट कर रहे होंगे तो वो भी देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। इस वजह से आप लोगों का चैनल पे सब्सक्राइब भी बढ़ेगा अब आगे से। तो इस तरह से बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। तो यही कुछ जानकारी था जो यूट्यूब की तरफ से कल के आया था। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।